एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। ज्योतिषी सलाह में आज हम बात कर रहे हैं, प्रश्न आया है कि हमें नींद क्यों नहीं आती है, क्या कुंडली में इसको देख सकते हैं, तो इसकी समुचित जानकारी हम देने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम इसमें जो जो भाव और राशियां आदि के बारे में हम जानकारी देने का प्रयत्न करते हैं। पहला भाव आपका व्यक्तित्व आप स्वयं है, उसको देखते हैं। उसके बाद में चौथा भाव, आठवां भाव और बारहवां भाव कुंडली का देखते हैं, और जली राशियां जो है 4, 8, 12 की, और वायु तत्व की राशियां 3, 7, 11, और जो ग्रह है वो चंद्रमा है, बुध है, शुक्र है, इनकी स्थिति को देखा जाता है। तो ये जो प्रभाव हमने बताया है कि अगर आपकी कुंडली में चौथे भाव, आठवें भाव और बारहवें भाव में जली राशियां हो और वायु तत्व की राशियां रहे हो, और जो कारक शनि होता है नींद का, वो अगर आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो आपको ज़रूर नींद आएगी। पहले बताया कि जली राशियां होना चाहिए और शनि जो कारक है वो अच्छा होना चाहिए, चंद्रमा की स्थिति अच्छी होना चाहिए, क्षीण चंद्रमा नहीं होना चाहिए, और बुध भी कोई ग्रह से प्रभावित नहीं होना चाहिए, पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए। इस तरह से अगर ये स्थितियाँ आपकी कुंडली में अच्छी है, वायु तत्व की राशियाँ भी अगर चौथे भाव, आठवें और बारह भाव में आ रही हैं तो आपको अच्छी नींद आएगी। इसके विपरीत परिस्थितियाँ होगी तो आपको नींद आने की समस्या बनी रहेगी। तो आपने सरल तरीके से जानने का प्रयत्न किया किस तरह से आप अपनी कुंडली में स्वयं देख सकते हैं कि नींद में जो तकलीफें आ रही हैं, आज की जो परिस्थितियां, देश काल की परिस्थितियां हैं, बीमारियों के कारण और जो कई तरह की दिक्कतें जो जीवन में आ रही है, कई तरह की परेशानियां आ रही है, उसके कारण हमें नींद नहीं आती है। तो इस परिस्थितियों में अगर जो हमने बताया उसकी विपरीत परिस्थितियाँ हैं तो ज़रूर आपको नींद नहीं आएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो उपाय करना है वो सरल से उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। जब भी शनि को ठीक करना चाहिए कि शनि आपका नींद का कारक ग्रह है, तो शनि की स्थिति के लिए हनुमान चालीसा आदि का पाठ करके शनि के मंत्रों के जाप करना चाहिए, और इससे कि शनि आपका मजबूत हो और अच्छी स्थिति में आ जाए। इसी तरह से अगर आपके पास में घर में जो तो वास्तु के हिसाब से भी जल के स्रोत लगाते हैं, अगर जल के आपके आसपास जल की स्थिति बनी हुई है, अगर नदी है, समुद्र है या फिर कुआ है, तालाब है, तो ये स्थिति भी आपको अच्छी नींद आने में सहायक होती है। वायु तत्व की राशियों, वायु का भी आपके घर में अच्छा प्रभाव होना चाहिए, जिससे कि आपको वायु तत्व अच्छा प्राप्त होता रहे। साथ साथ में आपको यह देखना है कि जब भी आप जिस रूम में सोते हैं उस रूम में जहाँ तक बने बहुत सा कबाड़ वगैरह नहीं होना चाहिए, और शाम को आपको कपूर जलाना चाहिए जिससे कि वहाँ का वातावरण अच्छा बन सके। इस तरह से और जो रूम है वो अच्छा सोने की जगह जो होती है शांत रहना चाहिए, साथ में जो रूम के कलर्स हैं वो भी अच्छे होना चाहिए, हल्के होना चाहिए, जिससे कि नींद में सहायक हो। तो ये उपाय के स्वरूप में आप कर सकते हैं। अगर बुध ग्रह पीड़ित होगा तो क्या होगा, आपको व्यापारिक जो परेशानियां हैं उसके कारण आपकी नींद नहीं आएगी, और वो चिंता का प्रमुख कारण हो सकता है। तो बुध ग्रह को भी मजबूत करना चाहिए, गणेश जी की आराधना करना चाहिए और बुध के मंत्रों के जाप करना चाहिए। जहाँ तक पृथ्वी तत्व की राशियां रहती हैं 2, 6, 10, ये नींद न आने की प्रमुखता को बताता है कि आदमी सो नहीं पाता है। अगर वो इसी तरह से अग्नि तत्व की राशियां भी अगर आपकी रहती है चौथे, आठवें और बारहवें भाव में, तो ये भी आपको नींद नहीं आने देती है। तो अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व की राशियां अगर चौथे भाव, आठवें, बारहवें भाव में आती है तो ऐसे व्यक्तियों को नींद आने की समस्या बनी रहती है। मंगल अगर आपका ख़राब है तो शारीरिक दिक्कतों के कारण से नींद आपकी ख़राब हो जाती है, तो इसका भी आपको होना चाहिए। फिर हमने कमरे की बात की, वहाँ पे जो कलर के अगर हो, क्रीम, गुलाबी, हल्का हो, ऐसे रंग हो तो वो अच्छा रहता है।
और अपने घर को, जो सोने वाले कमरे को सुगंधित करने के लिए कपूर और बाकी चीज़ें जैसा भी आप हो सके सुगंधित और वातावरण बनाना चाहिए उसके लिए। और जो पलंग हम सोते हैं जनरली उसके नीचे भी कबाड़ वगैरह रख देते हैं, या जो पेटी पलंग बोलते हैं जिसके अंदर के बहुत सामान लोहा वगैरह आदि रखते हैं, वो भी अच्छी स्थिति नहीं है। तो इस तरह से वो पलंग के अंदर लोहे की वस्तुएं वगैरह नहीं होना चाहिए और कबाड़ भी नहीं होना चाहिए, तो ये इसका भी आपको ध्यान रखिए। और जो घर के बारे में बताया कि ये रूम जो रहता है सोने का, वहाँ पे अगर कबाड़ रहता है, गंदे कपड़े वगैरह बिखरे पड़े रहते हैं और ऐसी स्थिति रहती है, तो वो भी आपको नींद न आने के कारणों में से बनता है। तो इस तरह से शयन कक्ष को अच्छे से रखें और बाकी जो उपाय बताएं वो जो आप ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपको मन की शांति के लिए चंद्रमा को मजबूत करना चाहिए। चंद्रमा अगर अच्छी स्थिति में नहीं रहेगा और ये जो, तो आपको उसमें भी नींद के चिंता के कारण नींद नहीं आएगी। तो चंद्रमा के लिए आपको चंद्र चंद्र के मंत्रों के जाप करना चाहिए। इस तरह से चंद्रमा को भी आप मजबूत कीजिए। तो ये सरल सरल से उपाय जो बताए हैं वो ज़रूर आप कीजिए, और जिससे कि आपको अच्छी नींद आ सके और आपको हमारी चैनल जो एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपको हमने बहुत से वीडियो, आपके जो जो भी प्रश्न आप चाहते हो उसके वीडियो बने हुए हैं। आप वो शादी से रिलेटेड है, व्यापार है, नौकरी है, बीमारी है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, ये सब आपको हमारे चैनल पर प्राप्त हो सकते हैं, उपलब्ध हैं। आप सर्च करके उसमें ज़रूर जाइए और वीडियो देखिए जो आप चाहते हैं, और आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं और तो ज़रूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को लाइक किया, वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।